آبَاءُ وَلِغَيْرِ اللَّهِ لَا نَحْنِ الْجِبَالُ। इसके अंदर जो है ना ये पूरा तफसील बताया गया। जब रूह फूंकने फरिश्ता आता है तो उसमें से एक हदीस ये भी है कि उसका रिस्क लिख दिया जाता है, उसका मरने वाला है और उसका अमल अच्छा होगा या बुरा। अब यहाँ पर गलत फहमी आती है। क्या गलत फहमी? अल्लाह ने लिख दिया है अच्छा बुरा, तो फिर मैं मुझे क्यों जिम्मेदारी है भाई, मुझे क्यों जहन्नम में डाल रहे हैं अल्लाह ताला। देखिए अल्लाह ताला आलिमुल गैब ही नहीं है, अल्लाह गैब का जानने वाला है। तो अल्लाह को मालूम है 2019 में अगर हम जिंदा रहे इंशाल्लाह तो हम क्या करने वाले, हमको मालूम है क्या? हमको नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह को मालूम है। तो अल्लाह ताला जो चीज मालूम है उसको एडवांस लिख ले रहे इसमें जुल्म का। तुम क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जबरदस्ती करके तुमको डाल रहे हैं क्या? नहीं, तुम जो कर रहे हैं, तुम जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है। पूरे इंसान क्या करने वाले अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ने बस उसको एडवांस में लिख लिया, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब है, जानने वाला, लिख लिया। मिसाल तौर पर टीचर कहती है तुम तो फेल हो जाओगे, तुम बहुत दो डुम्बे मार रहे। कल के दिन वाकई फेल हो गया, अब्बा पूछे क्यों फेल हो गए, वो टीचर बोले ना इसलिए फेल हो गया। बोले तारे टीचर इसलिए बोले कि भाई तुम ऐसे कामा कर रहे थे। उसी तरह तुम नमाज नहीं पढ़े ना भाई, बोलते नहीं अल्लाह लिखा ना इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहा। नहीं, तुम नमाज नहीं पढ़ने से अल्लाह लिख दिए कि बंदा नमाज नहीं पढ़े, क्योंकि अल्लाह को एडवांस में मालूम है। अल्लाह जबरदस्ती करके तुमको रोक रहे नमाज मत पढ़ो। एक आदमी घर के बाहर निकला, अचानक पत्थर आके सर पे गिरा, तो क़यामत में अल्लाह ताला पूछते क्या, बता तेरे सर पे पत्थर क्यों गिरा, मैंने तुझे जिस्म दिया था अमानत के तौर पे, तेरे जिस्म पे पत्थर क्यों गिरा? अल्लाह ताला ऐसा नहीं पूछते, क्योंकि बंदे को इरादा ही नहीं था, बेचारा मजबूर था। लेकिन एक बंदा घर के बाहर निकला, इरादे से बंडा उठा के सर पे मारा, अब अल्लाह पूछते। दोनों में क्या फर्क है? एक में उसका इरादा है, एक में उसका इरादा नहीं है। जहां इरादा नहीं अल्लाह नहीं पूछते। धर्म एक तो अल्लाह तो बंदा मजबूर कहां है? मजबूर उस वक्त पर कहेंगे जबकि तुम्हारा इरादा भी नहीं, अल्लाह ने इरादा दिया ना, इरादा हुआ तो टॉयलेट में जाते, वरना अभी काम हो रहा है, टॉयलेट आते रहता फिर भी वो काम कर लेके जाते, इसका मतलब इरादा हुआ तो इसका मतलब इरादा है। बगैर इरादे के बाहर नहीं निकलता, बगैर इरादे के अंदर नहीं जाता। इरादे का इनकार नहीं कर सकते आप। नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। सूरह दहर में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को आजमाइश में डाल दिया है, वो अच्छा रास्ता अख्तियार करे या बुरा रास्ता अख्तियार करे उसकी मर्जी। इस पर अल्लाह पकड़ते, उस इरादे पर अल्लाह पकड़ते। कहाँ है मजबूर? कहीं भी मजबूर नहीं, झूठ है। अगर कोई कहे के कि मैं मजबूर हूं, तो इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि उसके कपड़े निकाल कर कहो मैं भी मजबूर हूं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला क्या करे इसीलिए? अरे मैं, मेरे तकदीर में लिखा हुआ था इसलिए मैं चोरी किया। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मेरे तकदीर में लिखा हुआ है कि तेरे हाथ काटू, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना।